सबसे पहले तो इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें महाराष्ट्र डायरेक्टरेट फर्स्ट आया है पूरे डायरेक्टरेट पर। 9 गोल्ड मेडलिस्ट, 9 मेडलिस्ट गोल्ड और सिल्वर कंबाइंड, 4 कैडेट्स नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी कि अगले साल वो सीधा नेशनल्स के लिए फील्ड करेंगे। मालवनकर चैंपियनशिप में भी हमारे फायरर्स शूटर्स ने काफी अच्छा काम, काफी अच्छा योगदान किया। और इस तरह से हमने एक नया बेंचमार्क सेट किया सभी के लिए, तो उसकी तैयारी मैं समझता हूं अभी से शुरू होनी चाहिए। एक है कि अचीवमेंट काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यहां से भी मेडल्स निकल आएंगे, तो बहुत खुशी होती है आप लोग से शेयर करने के लिए कि इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कॉम्पिटिशन नेशनल्स तक जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है, सिर्फ एक ही मुंबई का कैरेट था, बाकी 9 कैरेट जो है पुणे ग्रुप के। अगर पुणे ग्रुप में अगर ये हो सकता है तो मैं समझता हूं पुणे ग्रुप की जब मैं बात कर रहा हूं अभी, तो ये सारे लड़के जो है पुणे से है, सोलापुर से क्यों नहीं हो सकता। यहां पे भी सारी फैसिलिटीज है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, सब कुछ है, इतना सारा पीआई स्टाफ यहां पर है, एएनओज है, डेडिकेटेड लोग है, तो मैं समझता हूं कि यहां से भी अगले साल कम से कम एक या दो मेडल्स तो आने ही चाहिए इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक डे कॉम्पिटिशन के कंटिजेंट के लिए सिलेक्शन जो हुआ है, मैं खुद ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर था और काफी नजदीक से मैंने देखा है कैडेट्स को, फिर भी यहां पे भी खुशी होती है। अभी 57 कैडेट्स गए दिल्ली, उसमें तकरीबन 20 कैडेट जो है पुणे ग्रुप से है, लेकिन फिर ये देखने में आता है कि सोलापुर से जो है रिप्रेजेंटेशन जो है या सिलेक्शन जो है कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इसमें दो तीन चीजें है, तो रिपब्लिक डे कंटिजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्रिल, इसमें 3-4 ग्रुप में सिलेक्शन होता है। एक तो है कि ग्रिल वाले लड़के होने चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए, बेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, ग्रिल का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, राइफल ड्रिल भी अच्छी होनी चाहिए विथ वेपन विथ आर्म्स। इसके अलावा बेस्ट कैडेट्स की एक कैटेगरी आती है, इसमें भी चुने हुए लड़के जो कि एकेडमिक्स में अच्छे हैं, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, यानी कि वो अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकते हैं, और स्टडीज एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3-4 खूबियां अगर किसी कैडेट के अंदर हो तो वो बेस्ट कैडेट के लिए पक्का क्वालिफाई हो सकता है। और मैं ये समझता हूं कि पुणे ग्रुप में सोलापुर भी शामिल है, तो यहां से भी बेस्ट कैडेट्स के लिए कैडेट्स अभी से चुनो, अभी से उनके ऊपर काम करना शुरू करो, उनको मोटिवेट करो, और अगले साल मैं चाहता हूं कि कम से कम एक कैडेट तो बेस्ट कैडेट के लिए आना चाहिए। और रिपब्लिक डे कंटिजेंट एक प्रेस्टिजियस इवेंट है, जो इसमें सिलेक्ट होता है उसका मैं समझता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट होता है उस कैडेट के लाइफ में। एक बार उसको दिल्ली में जाके बाकी कंटिजेंट के साथ
इंटरेक्शन करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो ट्रेनिंग जो चलती है 3-4 महीने के लिए, उसमें काफी फर्क आ जाता। मैं खुद जब मैं कैडेट था तो मैं PIDC नांदेड़ में जाके रिजेक्ट हो गया। उस टाइम काफी दुख हो गया था कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाया, लेकिन उस टाइम मैंने ये ठान लिया था कि रिपब्लिक डे कंटिजन में नहीं तो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में पक्का जाऊंगा। और मैं 11th स्टैंडर्ड में इंडिया के लिए सिलेक्ट भी हो गया था। तो NCC, ये गलत नहीं होगा अगर मैं बताता हूं कि सारी ट्रेनिंग NCC की जो है तकरीबन RDC सेंट्रिक है। रिपब्लिक डे कंटिजन को तैयार करना, उसके लड़कों को कई कैंप के दौरान देखा जाता है उनको कि उनमें क्या खूबियां, और उसमें से जो अच्छे लड़के हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। आज के दिन नेशनल कैडेट कोर काफी पॉपुलर होती हो रहा है। मैं पिछले 2 महीने में इतने सारे एप्लीकेशन आए हैं NCC के लिए, कॉलेजेस से, FS, फुली सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पे अभी कॉलेजेस बोल रहे कि हम बजट देंगे, हम निधि देंगे और हमें NCC दे दो और हम NCC चलाएंगे। और अभी के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी, वो खास करके ध्यान दे रहे NCC में। तो खुद एक कैडेट रहे हैं और वो चाहते हैं कि NCC का रिव्यू हो जाए और थोड़ा सा NCC में अगर रिफॉर्म्स लाके इसको राष्ट्रीय स्तर पे अगर थोड़ा बहुत बदलाव लाया जाए तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। कई सारे संकेत मिलना शुरू हो गए ऑलरेडी, कोस्टल एरिया एक्सपांशन, बॉर्डर एरिया एक्सपांशन NCC का, उसके पीछे कुछ मकसद है। एक्साइज NCC योगदान ऑलरेडी NCC ने काफी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करके। 14 लाख के ऊपर NCC कैडेट पूरे नेशनल लेवल पे काफी बड़ी संख्या है और ट्रेंड मैन पावर है, डिसिप्लिन मैन पावर है। दिस इज वॉलेंट्री फोर्स, ऐसा भी नहीं है कि किसी को जबरदस्ती आना है। वॉलेंट्री यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जिस तरह से NCC की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, उतना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। यूनिफॉर्म पहना है तो अच्छी तरह से पहनना। मैं समझता हूं पुलिस डिपार्टमेंट भी यहां पे जो है उनसे भी अच्छी तरह से आप यूनिफॉर्म पहन के उनसे थोड़ा और स्मार्ट और बेहतरीन लग सकते। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी फर्क पड़ जाता है इसमें। नेक्स्ट, NCC एलुमनाई, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसमें जितने भी पुराने NCC कैडेट्स रह चुके हैं उनको NCC एलुमनाई के बीच रजिस्टर करना है और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसके पीछे का जो मकसद है। मैंने सुना कि लोग इसलिए आगे नहीं आ रहे कि 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना है। 100 रुपए तो कोई खास ज्यादा अमाउंट नहीं है जिससे कि हमें उसे थोड़ा पिंच हो जाए कि भाई मेरे 100 रुपए चले गए। महत्वपूर्ण यह है कि ये ऐसी बॉडी बनेगी है और 100 रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे ये मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट्स वगैरह इकट्ठा करके इसमें से कुछ असेट्स ऐसे बनाए जाएंगे शायद फ्यूचर में कि जहाँ जो NCC में रहे जो लोग उनके लिए कुछ किसी तरह से मदद में आ जाए।
तो मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली ऑफिसर्स और एनओज जितने भी पुराने कैडेट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए और एनसीसी एलुमनाई के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। अभी भी संख्या बहुत कम है। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट को जो टारगेट मिला है 72,000 का मिला है और आज के दिन हम 1,000 क्रॉस नहीं कर पाए, खास करके पुणे ग्रुप। तो इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूं, डिजिटल फोरम विजिबिलिटी, एनसीसी का विजिबिलिटी। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं हम लोग, बट वो दिखाना भी जरूरी है समाज को, सोसाइटी को, कि हम यंग कैडेट्स कैसे अपना योगदान दे रहे। कई सारे सब्जेक्ट्स हम हैंडल करें एनसीसी में, सोशल कम्युनिटी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, खास करके इस एक्साइज एनसीसी योगदान जो है। मैं गुजरात डायरेक्टरेट में था जब ये पैंडेमिक बीमारी आई थी, वेव आया था, तो उस टाइम सबसे ज्यादा कैंडिडेट गुजरात डायरेक्टरेट से फील हुए थे। और मैं वल्लभ विद्यानगर ग्रुप में था ग्रुप कमांडर, 950 लोग सामने आए थे जब शुरू शुरू में ये अनाउंस हुआ। उनके बनिस्पत मैं देखता हूँ पुणे ग्रुप और खास करके महाराष्ट्र डायरेक्टरेट में भी इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे, जबकि महाराष्ट्र से काफी प्रगत राज्य है हर चीज में। तो ये अभी एक लेटेस्ट आ रहा है ओमिक्रॉन, ये नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का, हो सकता है फेब्रुआरी महीने तक, अभी पेपर में स्पेकुलेट हो रहा है कि ये काफी हद तक बढ़ सकता, हो सकता है हमें भी बोला जाए कि आप सामने आ जाइए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है पहले जैसे इतना सीरियस नहीं है लेकिन बहुत जल्द फैलता है, फास्ट स्पीड से फैलता है। तो एक असेसमेंट है कि ये इतना तेजी से फैलता है कि मेडिकल वगैरह के ऊपर काफी लोड आ सकता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोड आ सकता है। तो ऐसे टाइम एनसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना योगदान दे सकती है सोसाइटी के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सभी के लिए। तो उसके लिए भी हमने तैयार रहना। लास्टली नेशनल कैडेट कोर की एक्टिविटीज में देखता हूं, जब मैं कैडेट था और आज जिस तरह से एक्टिविटीज है, आज के दिन आप लोग ज्यादा बिजी हो, ज्यादा एक्टिविटीज है, आप सब यंग हो, ये आपका जो एज है, अभी उम्र है आपकी जो है, दिस इज प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी, युवा एनर्जी आज के दिन आपके साथ है। एनसीसी एक्टिविटीज में पक्का इंटरेस्ट लो, आगे बढ़ो, अपना सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास, साथ साथ सभी का विकास, लेकिन एकेडमिक्स उसके ऊपर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि एनसीसी के पीछे भाग रहे हो और एकेडमिक्स के ऊपर आपका निगलेक्ट या दुर्लक्ष हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें दोनों में कैसे बैलेंस ला सकते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एनसीसी एक्टिविटीज हो रही है और एकेडमिक्स के लिए जितना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बता दो, आपके एनओस को बता दीजिए, पीआई स्टाफ को बता दीजिए, और ये आप जहाँ जो ऑफिस पोस्टेड है उनसे आप संपर्क कर सकते हो। यू मस्ट रिटेन बैलेंस बिटवीन बोथ एनसीसी एक्टिविटीज एज वेल एज योर ओन एकेडमिक्स। लास्ट में पर्टिकुलरली सोलापुर में जो 2 बटालियन से, मैं चाहता हूं यहां से
एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि कैडेट्स आईडीसी के लिए फायरिंग कॉम्पिटिशन के लिए, इसके अलावा आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओटीए, सीडीएस, टेक्निकल एंट्री। सबसे पहले ऑफिसर बनना आपने अपने एक लक्ष्य बनाना। अगर ऑफिसर नहीं बन पाते हो सकता है आपको एक सोल्जर बन के ज्वाइन कर सकते हो, और बाद में जब सोल्जर बनने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज है ऑफिसर्स बनने की। और आज के दिन आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए जो गवर्नमेंट का पे पैकेज वगैरह है और अलाउंसेस है या फैसिलिटीज जो ऑफर हो रही है, मैं समझता हूँ किसी और गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। तो आप लोग कोशिश करना है कि आर्म फोर्सेस कैसे हम ज्वाइन कर सकते। अगर नहीं भी हो सकता है तो आप देख रहे हो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, ही वॉज एनसीसी कैडेट, टुडे इज अ प्राइम मिनिस्टर। यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन योर ओन सिविलियन फील्ड एरिया। लेकिन जो सिखलाई आप, बुनियादी सिखलाई आपको मिलती है डिसिप्लिन की, यूनिटी की, थोड़ा बहुत आपसे ट्रेनिंग कराया जाता है ड्रिल का, वेपन ट्रेनिंग का, एनसीसी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कैंप्स को आप अटेंड करते हो, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स भी होते हैं जिसमें आपको एक्सपोजर मिलता है, लीडरशिप के आपके लेसन चलते हैं। तो आई कैन अश्योर यू कि इतना सब जो है ये पक्का आपको फ्यूचर में, भविष्य में आपके काम में आएगा, चाहे आप आर्म फोर्सेस में जाओ या आप किसी सिविलियन फील्ड में जाओ। अगर आप सिंसियरली करोगे तो इसका फायदा पक्का होगा आप लोग। लास्टली खास करके सभी के लिए, अभी पैंडमिक के कारण थोड़ा सा गैप हो गया था, एक ठहराव आया था, लेकिन अभी एक्टिविटीज नॉर्मल हो रही है। तो हम लोग भी कोशिश करना है कि विद ड्यू प्रिकॉशंस अपनी एक्टिविटीज जो है नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, और सारे प्रिकॉशंस लेना है, जैसे मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन के दो डोजेस लेने हैं, सेफ्टी डिस्टेंस भी रखना है। और जैसे अभी ओमिक्रॉन का न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसके बारे में जानकारी लेना है और अलर्ट रहना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे, मैं समझ रहा था कि आपके साथ शेयर कर लूँ मैं, और I'll request all of you to disseminate these points to the environment, to your friends, and I'll request same as आप अपने अपने students को बता दो PI staff, और इसके ऊपर गौर कीजिए। और बीच बीच में मैं आता रहूँगा, विजिट करता रहूँगा, प्रोग्रेस मांगूँगा मैं लोगों से क्या हो रहा है हर चीज़ पर। और मुझे खुशी होती है जब भी मैं विजिट करता हूँ किसी यूनिट को या कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। अभी मुझे बताइए, कोई किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम या कोई पॉइंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, एनी पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड? आई होप यू ऑल आर हैप्पी। यस सर। थैंक यू।